एटीएम में कुछ लोग जब अपने कैश निकाल रहे होते हैं, पैसा डिसबर्स नहीं हुआ बट अकाउंट से कट जाते हैं, तो कई बार ये सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग में आता है कि आप अगर जूम करके देखें, तो आप अगर प्रॉपरली इसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें तो इस तरह सा केस हो जाता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनमें काफ़ी सारे केसेस में बैंक इसको आपको रिफंड कर देता है। बट हाँ, ऐसे केसेस भी हैं जब रिफंड नहीं होता है तो आपको सीसीटीवी में फुटेज वगैरह लेके आप ले जा सकते हैं। हेलो श्रीधर जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला हमारे लिए रफ्तार के लिए। एंड अब हम जानना चाहते हैं थोड़ा सा आपके बारे में और थोड़ा सा कस्टमर आवाज के बारे में भी, तो प्लीज हमें बताइए। थैंक यू स्वाति जी, मैं भारतीय ग्राहकों के तरफ से आपको कस्टमर आवाज के तरफ से धन्यवाद कहना चाहूँगा टीम रफ्तार को, क्योंकि ग्राहक का अधिकार, उपभोक्ता का अधिकार, ऐसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपने समय दिया अपने व्यूअर्स के लिए। इसके लिए मैं पूरा टीम रफ्तार को धन्यवाद कहना चाहूँगा। जैसा आपने कहा, मैं श्रीधर भानु बेलगपुड़ी पिछले 12 सालों से कस्टमर आवाज़ नाम की एक सोशल फॉर प्रॉफिट कंपनी के साथ कंज्यूमर्स के राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। इसमें हम 3-4 इम्पॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण चीज़ कर रहे हैं, जिससे हम भारतीय उपभोक्ताओं को काफ़ी सहाय दे पा रहे हैं, उनको काफ़ी हेल्प कर पा रहे हैं उनके इश्यूज में। सर, मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि ठीक है, कस्टमर राइट्स, कंज्यूमर राइट्स हम सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन होती है, बट आपको क्यों लगता है कि ये क्यों ज़रूरी है? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। थोड़ा हम पीछे जाके कंज्यूमर राइट्स या उपभोक्ता अधिकार कहाँ से चालू हुआ, इसका ओरिजिन क्या है, ये जानते हैं। 1962 में यूएस कांग्रेस को सबसे पहले यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने कंज्यूमर राइट्स के बारे में एड्रेस किया था। ये दुनिया में सबसे पहले किसी ने एक्चुअली कंज्यूमर राइट्स के बारे में, उपभोक्ता अधिकार के बारे में बात किया था और इसके बारे में जिक्र किया था। इसके बाद पूरे दुनिया में उपभोक्ता अधिकार के बारे में धीरे धीरे से एक अवगाहना आने लगी है। इंडिया में उपभोक्ता ग्राहक का एक एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कहते हैं, वो 1986 24 दिसंबर को लॉन्च किया गया है, पार्लियामेंट में पास किया गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भारत में 24 दिसंबर 1986 को पास किया गया है। तो यानी आप मान के चलिए कि स्वतंत्रता आने के बाद करीब 40 सालों तक हमारे जो भी उस समय में जो कंज्यूमर्स थे, उपभोक्ता थे, हमारे अपने पेरेंट्स थे, जो भी थे, उन्होंने ये कंज्यूमर राइट्स या उपभोक्ता के अधिकार के बारे में, ऐसे टॉपिक के बारे में कभी सुना ही नहीं होगा। आप ये मान के चलिए ब्रिटिश राज चल रहा था उससे कुछ 40 साल पहले, तो इसीलिए तो 40 साल स्वतंत्रता से पहले और उसके बाद लोग ऐसी जी रहे थे कंज्यूमर राइट्स के बारे में, जिनकी कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी। सो 1986 में कंज्यूमर राइट्स एक्ट आने के बाद, इंडियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आने के बाद, जब उपभोक्ता अधिकार एक्ट आने के बाद, धीरे धीरे से सिचुएशन चेंज होने लगा है और उपभोक्ताओं को अपने हक के बारे में धीरे धीरे से गवर्नमेंट के अपने जो एजुकेशन माध्यम से, जो मीडिया से गवर्नमेंट में एडवर्टाइजमेंट देने लगा, तो उसके बारे में पता चलने लगा है। बट वो भी काफी टाइम लगा है और धीरे धीरे से आगे बढ़ते गया है। सर, आपने बात की कंज्यूमर राइट्स की, गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट क्या चीजें कर रही है, क्या इनिशिएटिव ले रही है, क्या चीजें अच्छी है, बुरी है, बट मेरा कंसर्न अभी यहाँ पे ये है कि आप कस्टमर आवाज क्यों लेके आए, उसका मोटिव क्या था? अगर गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है तो फिर कस्टमर आवाज क्यों? अगेन आपने एक और बार आपने काफी अच्छा सवाल किया है। देखिए, अभी भारत में सिनेरियो ऐसा है कि मैं सभी लोगों को जो एक्सप्लेन करता हूँ, भारत ने कंज्यूमर राइट्स का एक्ट 1986 में फॉर्म कर दिया, ये हमने देखा है और इसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट के तरफ से भी हुआ है वगैरह। बट कायदे से देखा जाए तो एक ग्राउंड लेवल पे एक उपभोक्ता को कितना उसका वैल्यू मिल रहा है, कंज्यूमर राइट्स है, जैसा उनका राइट टू सीक रिड्रेसल है, राइट टू सेफ्टी है, राइट टू सीक इंफॉर्मेशन है, ऐसे 6 कंज्यूमर राइट्स है जो बड़े इम्पॉर्टेंट है। बट एक कंज्यूमर जब एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे अपना पैसा खर्चता है, तो हम ये कहते हैं कि एक उपभोक्ता जब अमेरिका
इंग्लैंड, दुबई, सिंगापुर जैसे देश में अपना जो भी 100 डिनोमिनेशन, 100 डिनोमिनेशन कहिए, 100 डॉलर, 100 UK pound, 100 Sing dollar खर्च रहा है, तो उसका वहां पे 100% उसका पैसा वसूली हो रहा है, यानी 100% का उसका लास्ट डिनोमिनेशन का वैल्यू वापस मिल रहा है। जब आप, अगर ये उनको नहीं मिलता है, वहां के उपभोक्ता जागरूक है और वो जब अपने कंज्यूमर फोरम में या कोर्ट में पहुंचते हैं तो उनको तुरंत और जल्द से उनको अपना जो रिलीफ या जस्टिस मिल जाता है। अब भारत में आ जाइए, भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत स्ट्रांग है, कंज्यूमर फोरम्स भी है, बट कितने उपभोक्ताओं को टाइम से वो जस्टिस मिल जाता है? सबसे पहले हम कहते हैं कि भारत में कोई उपभोक्ता, आप जैसे, मेरे जैसे पढ़े लिखे, 100 रुपए जाके खर्चते हैं, मैं कहूंगा हमारे जो पिछले 12 साल के एक्सपीरियंस से बहुत पढ़े लिखे एक शख्स जो अपना 100 रुपए खर्च रहा है, उसको शायद 55 से 65 रुपए शायद वापस मिल रहा है, बाकी उसका जो पैसा है मार्केट के ट्रिक्स और जो भी है हमारे सिस्टम के जो भी आप कह सकते हो, तो इसमें उसका 40 से 35 रुपए वहां पे खो जा रहा है। वो मैं बात कर रहा हूँ बड़े पढ़े लिखे और एजुकेटेड शख्स के बारे में, और आप इसको रूरल इंडिया में लेके जाएंगे, और एक आम एवरेज भी बोल रहा हूँ, रूरल इंडिया में लेके जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना क्या कितना ठग हो सकता है और कितना यहाँ पे ग्रीवेंसेस हो सकते हैं। एक इंसान जब एक ग्राहक जब अपना 100 रुपए खर्चता है तो उसमें शायद उसको 20 रुपए का वैल्यू वापस आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ वैल्यू की, जो आप एक 5 साल की वारंटी के लिए एक प्रोडक्ट खरीदते हो, या आप आप 3 साल की वारंटी के लिए कुछ प्रोडक्ट खरीदते हो, या आपको एक फंड में, म्यूचुअल फंड में या किसी चीज में इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको सिक्योरिटी के लिए बोला जाता है, एक इंटरेस्ट रेगुलर रेट ऑफ रिटर्न के बारे में बोला जाता है, एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में आपसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो आप जब अपने पैसे उसमें डालते हो तो कितना आपका 100 रुपी, या मैं बोलता हूँ 100% आपका, 100% आपका वसूली वापस कितना हो रहा है? आप एक एवरेज से देखा जाए तो हमारा एक्सपीरियंस है ये आपको आमतौर पे ओनली 55-65% वापस आ रहा है। नंबर वन, हमने देखा है कि इन वो यूके, यूएस, सिंगापुर जैसे कंट्रीज में अगर कोई ग्राहक जाके कंप्लेन करता है तो सबसे पहले वहां उनका रेस्पॉन्स सिस्टम और रिड्रेसल सिस्टम काफी फास्ट है, हमारा लॉ काफी स्ट्रांग है पेपर पे, बट जो रिड्रेसल सिस्टम काफी लंबा चौड़ा है और इसमें कंज्यूमर या उपभोक्ता थक जाता है और थक हार के कई बार छोड़ देता है, तो इसके पैसे के साथ साथ वो कोर्ट के टाइम और जो जहां जाके उनका जो एंटायर वो उस कोर्ट के टाइम जो वहां स्पेंड कर रहा है उससे अच्छा अपना काम में यूज करें, तो इसमें काफी टाइम एंड एनर्जी एफर्ट लॉस हो जाता है। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग एक अपना कंज्यूमर रिड्रेसल सिस्टम को अप्रोच करने के लिए भी काफी डाउटफुल रहते हैं। आपने बताया उपभोक्ता फोरम के बारे में, बताया अपने फर्म के बारे में बताया, तो मैं थोड़ा सा अब यहाँ पे ना लर्निंग पार्ट ऐड करना चाहूँगी कि कंज्यूमर फोरम के लिए हमारे पास ऐप है, वेबसाइट्स है जैसे हम लॉगिन कर सकते हैं। कस्टमर आवाज़ का भी आप हमें बताइए कि आप हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, हम कैसे उस पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ब्रीफ दीजिए प्लीज़। तो आज के दिन में हम बेसिकली कंज्यूमर्स को एक तरह से, मैंने कहा आपको हम 3E कर रहे हैं, जहाँ पे 3E में एक हो गया एजुकेशन, एम्पावरमेंट और एनरिचमेंट। नॉट ओनली 3E, हम इसके आगे भी क्या कर रहे हैं, हम एक रोल ऑफ मीडिएटर, यानी हम समझौता कर रहे हैं। तो आज के दिन जब से हमने चालू किया है, सिंपली ओनली थ्रू आर ईमेल आईडी प्रोसेस, हमने एक कंप्लेंट सिस्टम जैसा निकाल के info@customeravaaz.com इस मेल आईडी पे सारे ग्राहकों को हमने इंफॉर्मेशन दे दिया कि आपका कोई कंप्लेंट है तो आप सबसे पहले अपने वेंडर को या सर्विस प्रोवाइडर को मेल लिखिए। और मैं क्यों कह रहा हूँ ये, इसका अहमियत ये है कि मान लीजिए आपका केस का वैल्यू जाके अगर 50,000 का है या उससे कम है, तो आप पढ़े लिखे भी हो, आप काफ़ी एजुकेटेड भी हो, इश्यू ये आता है कि आप जितना ज़्यादा पढ़े लिखे हो आप अपना जॉब में उतना ज़्यादा उलझे रहते हो और आपके पास टाइम नहीं मिलता है, तो आप अपने केस के बारे में या आपके राइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आप कोर्ट में जाके करने के टाइम नहीं होता है। अब सेकेंड ऑप्शन रहा, आप जाके लॉयर के पास जाएं। आज के दिन में आप दिल्ली जैसे शहर में कोई 5 लाख के नीचे केस को कोई लॉयर छूने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका फीस ही इतना होता है अपीयरेंस के लिए, तो आप उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो। तो मान लीजिए आप 50,000 का फोन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, इन चीजों के लिए आप अगर कहीं जाएंगे तो उसमें
ग्राहक सोचेगा मेरे को नुकसान ही हो गया। आज तक हमने कुछ 200 के आसपास केसेस जो है कस्टमर आवाज में जैसे मेल्स आए हैं, हमने दोनों ग्राहक और वेंडर जो कंपनी है सर्विस प्रोवाइडर या वेंडर दोनों को हमने एक समझौता के प्लेटफॉर्म पे ले आके हमने दोनों को एक समाधान करवाया। और जो मान लीजिए अगर ग्राहक चाह रहा है कि मेरे साथ ये 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 नाइंसाफी हुआ और मेरे को इतना इसमें कॉम्पनसेशन चाहिए या इसमें कुछ करेक्शन चाहिए, मेरे ग्रीवेंस रिड्रेस होना चाहिए, इसका हम दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे एक ईमेल मीडिएशन पे करके क्लोज टू अबाउट 200 केसेस हमने इनको एक्चुअली सुलझाया। सर बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, मतलब इसका अगर आप राइट्स की बात कर रहे हो तो बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, तो कस्टमर आवाज़ किस में काम कर रही है, रिफंड या फिर कोई ऑनलाइन फ्रॉड या फिर ऑफलाइन जो चीज़ें होती हैं उसको लेके। एंड सेकेंड थिंग उसके साथ साथ कि मान लो अगर आपके पास हमने कंप्लेंट की तो क्या श्योरिटी है कि आपका फर्म हमें सोल्यूशन करके दे ही रहा है, हो सकता है वो भी अपने हैंड्स अप कर दे कि हम नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया, अगेन आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है और इसका जवाब एक पार्ट में मैं आपको पहले ही दे चुका हूं कि हम जो करीब 700 केसेस में काम कर चुके हैं, हमारे पास 200 केसेस में अगर एक सक्सेस आई है तो 450 ऐसे केसेस हैं जहां पे जो वेंडर या सर्विस प्रोवाइडर ने कोई रेस्पॉन्स ही नहीं किया। वहां पे हमने एंड कस्टमर जो ग्राहक है उनको समझाया कि अगर वो कंज्यूमर फोरम में जाना चाहेंगे तो उनको जो भी चाहिए उसका जो नॉलेज एंड उसका प्रोसीजर हेल्प हम कर सकेंगे। और आप अगर वो कोर्ट में जाके उस कंज्यूमर फोरम में जाके केस दाखिल करना चाहेंगे या ऑनलाइन करना चाहेंगे उसके जो एंटायर केस बना के या उसको देने के लिए हम तैयार हैं। बट इसके लिए ग्राहक को सबसे पहले तैयार होना पड़ेगा क्योंकि वो जब एक केस को लेके आगे बढ़ते हैं उसमें टाइम लगेगा। तो हमने देखा है कि इन सारे 450 केसेस में कोई भी ग्राहक अपने पैरों पे खड़े होके मैं ये केस मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा लड़ूंगा कह के इसने आगे मैंने इसको आगे नहीं किया। सर अभी तक मतलब आपकी जो जर्नी रही है एज सो फार अभी तक उसमें ऐसा कोई केस जो आपको लगा हो कि हाँ ये बहुत बड़ा केस था जो मैंने सॉल्व कर लिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट था, ऐसा सा कोई केस आप शेयर करना चाहोगे? वैसे मैंने कस्टमर आवास का एक जर्नी भी ऐसी चालू किया था कि मेरे खुद के साथ एक क्रेडिट कार्ड का केस हुआ था जिसमें एक बहुत फेमस बड़ी क्रेडिट कार्ड कंपनी ने मेरे को एक टाइम पे आके क्रेडिट कार्ड ऑफर किया था। और जब मैंने वो क्रेडिट कार्ड ले लिया और उसको यूज़ करना चालू किया तो उन्होंने मेरे को एक अपना ऐड ऑन कार्ड डिपेंडेंस कार्ड भी दे दिया था। तो हम दोनों वाइफ एंड हस्बैंड उसको यूज़ करने लगे थे। एंड बाद में वो टाइम था जब हम वो चेक्स को डिपॉजिट करें तो चेक बॉक्स में उसका कलेक्शन नहीं होता था, बट घर पे कोई कॉल करके उनके जो कलेक्शन एजेंट्स मिसबिहेव करते थे। तो ये सारे लेके हम जाके उनको क्रेडिट कार्ड कंपनी को समझाया कि हम आपके साथ रिलेशनशिप टर्मिनेट करना चाहेंगे। तो मान लीजिए वो अमाउंट एक्स था तो उन्होंने हमें बोला कि आप पूरा एक्स पे करना चाहोगे या कुछ डिस्काउंट चाहोगे। तो जैसा कोई ग्राहक कहता है मैंने भी बोला डिस्काउंट पॉसिबल होगा तो आप कह दीजिए। तो उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट केस एक्चुअली केस का डिटेल भी बता रहा हूँ इसमें आपको, उन्होंने एक लेटर ऑफ सेटलमेंट बोल के निकाल के दिया था मुझे। अब लेटर ऑफ सेटलमेंट में मेरे को जो समझ में आया था कि ये मेरे इनके साथ जो भी इशू होगा वो कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगा, बट 7 साल के बाद उन्होंने मेरे को सिविल में रिपोर्ट कर दिया। तो जब मैं इसको जाके उनसे पूछा था कि ये सेटलमेंट का पूरा पैसे भरने के बाद आपने कैसे सिविल में भर दिया, तो उन्होंने बोला कि बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में सेटलमेंट का मतलब है हम कुछ कम पैसे के लिए सेटल हुए हैं, देयरफॉर आपने हमें एक्स देना था, आपने 0.8x दिया या 0.75x दिया, तो देयरफॉर आपने हम कम पैसे के लिए सेटल हो गए। तो इस पॉइंट को लेके मैं कंज्यूमर केस कोर्ट पहुंच गया था और मैंने वहाँ पे मीडिएशन जज को भी और जज को भी हमारे तरफ से हमने एक ही पॉइंट आगे रखा था, मेरे पापा समझता है कि मैं सेटल्ड हूँ तो मेरी शादी हो सकती है, मैं लाइफ में सेटल हो गया हूँ, बट बैंक समझता है कि मैंने सेटल किया इनके साथ तो इसका मतलब है उन्होंने मेरे साथ उनका नुकसान उठाया। तो ऐसे बहुत फाइन चीज़ है जो इंडियन कंज्यूमर को कन्फ्यूज करने वाली चीज़ है। तो इस केस में हमें थैंक्स टू द कंज्यूमर फोरम एंड इंडियन कंज्यूमर लॉ हमें विक्ट्री मिली है। इसके बाद ही हमें लगा कि जो हमारे साथ हुआ है, मुझे 4 साल लगे, हर बारी मैं कोर्ट में जाके अटेंड किया था, कई बार दूसरी पार्टी नहीं आई थी तो हमें उसका फाइन मिल रहा था, तो इससे एंकरेज होके हमने पूरे 4 साल कोर्ट में प्रेजेंट होके इसको हमने सक्सेसफुली क्लोज किया था। सर एक हमारे टीम की तरफ से रफ्तार की तरफ से हम लोग
ऑब्वियसली जानते हैं कि 6 मेजर कंज्यूमर राइट्स हैं, तो हम अभी जानना चाहते हैं कस्टमर आवाज के मतलब मोटिव, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हम आपसे 6 लाइंस बोलेंगे, 6 जो राइट्स हैं, और उनके आप वन वर्ड या वन सेंटेंस में बताओ कि कस्टमर आवाज उसके बारे में क्या सोचता है। तो पहला है सुरक्षा का अधिकार। ये मेरा फेवरेट राइट है। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बोला है, राइट टू सेफ्टी वो यूनिफॉर्मली सभी को मिलना चाहिए। जैसा मैंने, किसी ने 2.5 लाख का कार खरीदा है, उसको एयरबैग नहीं मिल रहा है, 6 लाख का कार खरीदा है तो उसको नहीं मिल, उसका सुरक्षा का कुछ कवच मिल रहा है, तो ये एक बहुत ही क्वेश्चनेबल सिनेरियो है। सो राइट टू सेफ्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम राइट है। सेकेंड वन इज जानकारी का अधिकार। जानकारी का अधिकार भी बहुत इम्पोर्टेंट है आज के दिन में। आप इस जानकारी के बारे में देखा जाए तो गवर्नमेंट ने एजुकेशन करिकुलम में बच्चों को 6th class से 7th class से कंज्यूमर राइट्स के बारे में चालू कर दिया। अब आप ये जानकारी के राइट एज वेल एज आप राइट टू सेफ्टी दोनों को क्लब करके लिया जाए। आज के दिन में आप स्कूल में जो इंसिडेंट्स हो रही हैं, खास तौर पर लड़कियों पे, बच्चों पे, नाबालिग बच्चे जो बोलते हैं, यंग एज लड़कियों के ऊपर, राइट टू इंफॉर्मेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये गंदा टच के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। एंड राइट टू सेफ्टी, उनका राइट क्या है, अगर कोई बुला के चॉकलेट दे तो मना करने की अधिकार भी उनको है, बट बच्चे ये समझते नहीं है। कोई बुला के मीठी मीठी बातों से बात करके कोई चॉकलेट दे दे या बोले कि ये स्कूटर पे बैठ जाओ या मेरे साथ राइड पे चलो, तो बच्चों को एजुकेट करना राइट टू गिव इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइट है। थर्ड वन इज चुनने का अधिकार। चुनने का अधिकार बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चुनने से ही हमारा जो बेसिक भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ स्टार्ट्स विथ हम एक सही व्यक्ति को चुने और उनसे अधिकार बनाए या आगे बढ़े। तो चुनने का राइट जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड ये फंडामेंटल राइट भी कहा जा सकता है। फोर्थ वन इज शिकायत करने का अधिकार। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है एज एन उपभोक्ता, मेरा अपना पैसा जो खर्च किया मैंने, उसका मेरे को वापस वैल्यू नहीं मिला, 100% का जो वैल्यू नहीं मिला, तो अगर मेरे पास ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम या कंप्लेन करने का तरीका ही नहीं है तो हम फिर किस राइट्स की बात करें। तो ये सबसे फंडामेंटल और मौलिक एक राइट बनेगा। फिफ्थ वन इज हर्जाना पाने का अधिकार, यानी जो आपके पैसे होते हैं मतलब आपके कहीं मिसमैनेज हुए हैं वो आपको वापस मिलने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सीक रिड्रेसल, या राइट, अगेन सीक रिड्रेसल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट वेर इन हम अपने जो भी कंप्लेंट हुआ है तो वी कैन गो एंड सीक ए कॉम्पनसेशन और सीक ए रिड्रेसल फॉर जो हमारे साथ ग्रीवेंस हुआ है। तो दे वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल वेरी इंपॉर्टेंट कंज्यूमर राइट। ओके, देन लास्ट वन इज जागरूक उपभोक्ता बनने का अधिकार। क्या एक नॉर्मल सिटीजन को, इंडियन सिटीजन या कोई भी सिटीजन को, एक जागरूक उपभोक्ता बनने का अधिकार होता है? मैं इसका आंसर ऐसा देना चाहूंगा, हम लोग क्रिकेट ट्रैक करने से पहले अपना राइट्स ट्रैक करना इम्पोर्टेंट है, या फेसबुक ट्रैक करने से पहले अपना राइट्स को ट्रैक करना इम्पोर्टेंट है। मैं दोबारा दोहराऊंगा, हर कस्टमर आज के दिन में, अगर पढ़ा लिखा कस्टमर, भारतीय उपभोक्ता 100 रुपए खर्च रहा है तो उसको रिटर्न में 55 से 65 रुपए ही वापस मिल रहा है। और इसका स्केल आप बढ़ाइए, आप अगर 1000 रुपए की सामान खरीद रहे हो तो क्या हो रहा है, 1 लाख रुपए के सामान खरीद रहे हो तो क्या हो रहा है, 10 लाख रुपए के सामान खरीद रहे तो क्या हो रहा है, 1 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीद रहे हो या कुछ और खरीद रहे हो तो आपके साथ क्या हो रहा है, या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो क्या हो रहा है। सबसे ज्यादा आपके साथ जो ये इश्यूज वगैरह रियल एस्टेट में हो रही है, और आपके साथ फाइनेंसेस में हो रही है, और अप्लायंसेस में, कार्स में, ऑटोमोबाइल्स में, ऐसी लग्जरी चीजों में भी हो रही है, बहुत सारे चीजों में हो रही है। अच्छा लगा सर आप उपभोक्ता अधिकार दिवस के इस खास दिन पे हमारे साथ आए, इतना सारा टाइम दिया, इतनी सारी क्वेश्चंस क्वेरी सॉल्व की, एक नया प्लेटफॉर्म दिया, हमारे भी जो व्यूअर्स होंगे उनको एक नया प्लेटफॉर्म भी मिला है जहाँ वो अपने कस्टमर की कोई भी क्वेरीज है, जो भी इनके इशूज है, वो रेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। एंड मैं भारतीय उपभोक्ताओं के तरफ से रफ्तार एंड होल टीम ऑफ रफ्तार को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपने इतना समय दिया, और इसके वजह से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन फैलेगा, क्योंकि आज के दिन में आप मीडिया में देखो तो इन्फॉर्मेशन जो मोस्टली वहाँ पे पंप होता है, जो
उपभोक्ता को जो जरूरी नहीं होता है कि मैंने पेज 3 में क्या हो रहा है, कौन सा सेलिब्रिटी किसके साथ शादी किया है, दिस इज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं होता है. बट हाँ, मैंने हर कंज्यूमर, हर सिटीजन एक उपभोक्ता होता है और उनको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मेरा 1,000 रुपए जो खर्च हुआ मार्केट में, तो वो उसका मेरे को कितना वैल्यू मिला, मेरी उसकी सर्विस मिली नहीं. थैंक यू वेरी मच. ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी फॉलो करें हमारे चैनल रफ्तार को.